अर्थक्वेक रखा है, अर्थक्वेक से मिलता जुलता, और वो तूफानों को भी ला सकता है। किसी एक का वाक्य मुझे याद आ रहा है। तो ये सब बातें हैं, तो करो, उठो, जागो और करो। तो उठो, जागो और करो में जो रुकावटें थी उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाया गया, और उसपे बड़े लोगों को ब्लेम किया गया कि कभी कभी वो रोका टोकी, या किसी ने कहा था टोका, रोको टोको करते रहते हैं, तो फिर हम नहीं करते, रोको टोको करते रहते हैं, तो रोको टोको करते रहते हैं। और दूसरा, मैं जो अक्सर अनुभव करती हूँ, शायद मैंने ऐसे आप सब लोगों को भी कभी नहीं बोला है, कि वो बोलेंगे अभी तुम बच्चे हो, 30 साल का हो जाएगा उसको भी बोलेंगे अभी तो तुम बच्चे हो। भी माता पिता के लिए जितना दूरी बच्चों की होती है उतनी दूरी जीवन भर रहती है, उतने वर्षों की दूरी जब वो जन्म लेते हैं तब से जितना। तो इसका मतलब उनके लिए तो बच्चे हैं, बाकी वो अपनी ग्रोथ से बच्चे नहीं है। तो जो ग्रोथ है उनकी, ग्रोथ उन्हें होने दो, उनका अपना अपने आप उनको निर्णय लेने की शक्ति है उनमें, उनको करने दो। फिर भी बहुत जरूरत है, कहीं तो बोलना पड़ेगा, तो उनको सुनना चाहिए। ये उनका दायित्व है कि उनको सुनना चाहिए। और मुझे एक और बात जो यहाँ दोहरानी है वो है सिद्धार्थ शंकर जी की, जो कहते हैं कि वेव्स जो है वो पारस है। अब बच्चों, मैं भी आपको अभी बच्चों कह दिया मैंने, आप याद रखिए कि ये इन्होंने बहुत बड़ा हमें एक सर्टिफिकेट दिया है। अभी वेव्स को 24 साल हुए हैं, अगर एज देखी जाए भारतवर्ष में उसको 24 साल हुए हैं, और अब वो युवा लोगों के द्वारा एक खुद युवा संस्था, एक छोटी और तरुण तरंग को बनाकर उनको काम करने के लिए आगे बढ़ती है। और मैं तो ये हृदय से चाहती हूँ कि एक दिन वो आए कि वेव्स जो मेन शाखा है उससे ज्यादा शक्तिशाली शाखा तरुण तरंग की हो जाए, क्योंकि हर हम सब टीचर्स ही हैं। टीचर्स का ये गुण होता है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके शिष्य, उनके पुत्र उनसे आगे जाएं, जीत को प्राप्त करें, हरा सके उन्हें। तो इसलिए ये सब बातें हैं। वैसे मुझे भी लगा कि शायद टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत कुछ अभी और बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन एक ही बस इसका पक्ष है जो विचारणीय है, वो ये कि जो सब कुछ विचार क्रांति से होता है। और हमारे यहाँ लोगों ने, युवा लोगों ने इस पर सोचा है, गंभीरता से आज यहाँ बोला भी है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने कुछ दोष भी बताए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए किसी ने कहा, तो ये सब बातें हुई हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि ये दिखाती है कि उन्हें सारा हर समय दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, उन्हें स्वयं भी अपनी तरफ से आगे कदम बढ़ाने होंगे। और बड़े लोगों को ये चाहिए कि उन्हें उत्तरदायी समझें, थिंक कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे कैन डू बेटर देन। जैसे प्रशांत जी दो बार उन्होंने कहा कि ऑनलाइन काम करना, ये तो अभी बड़े लोग फोन में मैसेज भी नहीं दे पाते, बहुत से ऐसे मुझे मिले हैं, तो वो बहुत शान से कहते हैं कि मेरे तो बच्चे करते हैं, मेरा तो पोता करता है। तो ये जब उनकी शक्ति है कि बहुत से नए इनोवेशंस वो कर सकते हैं, तो उनको करने देना चाहिए। और जो आप जगत गुरु और उन्नति और युवा शक्ति और युवा देश और जगत इत्यादि की बात करते हैं, मार्गदर्शन बनेगा, वो सब सच में युवाओं से ही बनेगा। तो कोई जनरेशन गैप का कोई मसला हमने तो देखा नहीं, संस्कृत साहित्य में या वेद में कहीं पर भी है। यहाँ तो समन्वय और सौहार्द की बात होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जिन्होंने इसमें कार्य किया और जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया, बस एक ही बात है जो मुझे कभी कभी लगती है कि सोच से तो होने वाला है सब कुछ, लेकिन सोच एक्सट्रीम की ओर नहीं होनी चाहिए, जो कि कभी कभी दिखती है, बिल्कुल एक्सट्रीम की ओर युवाओं की जाती है। जैसे कि कुछ कहा गया कि क्रांतिकारी, कुछ कहा गया कि आतंकवादी बन जाते हैं, तो ये एक्सट्रीम होने से होता है, एक्सट्रीम पर नहीं होना चाहिए। शास्त्र को भी पढ़ना चाहिए, अपने ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, और जो मध्यम मार्ग या बीच का मार्ग या संतुलित मार्ग है, प्रमाण चाहिए। ये नहीं कि बस हमने तो ऐसे सोच लिया, आप तो ये ऐसे ही है। तो एक्सट्रीम से आप मेरा भाव शायद समझ रहे होंगे। और अगर ये सब करना है तो मेरा अपना दृष्टिकोण है कि जब बहुत बड़े हो जाओ तब अपना सिद्धांत निर्धारित करो कि भाई ऐसे देखा हमने और जीवन में तो हमने ये सिद्धांत निर्धारित किया, तब आप एक्सट्रीम पर हो सकते हैं, एक साइड में हो सकते हैं। लेकिन अभी इस एज में जब सीखने की अवस्था है, आप सभी तरह के विचारों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और किसी एक अतिवाद की ओर नहीं कदम बढ़ाएं और बिल्कुल उसकी ओर अपने को फिक्स मत करिए। ठीक है, धन्यवाद जी मैम, बहुत अच्छा, धन्यवाद एक बार आपको फिर। ये सच है कि कॉलेज आपका ना मिलता और हमें ये सब सहायता ना मिलती तो शायद हम अभी ना कर पाते, थोड़ा रुक जाते, तो आपकी सहायता मिली है। तो वेव्स को भी बहुत अच्छा हुआ कि एक हमने 15 दिन के अंदर 2 कार्यक्रम करे आपके सौजन्य से, आपकी सहायता से। और आप तो हो ही वेव्स के सदस्य, कभी भी कोई भी बात होगी तो हम आगे फिर आपके साथ काम करेंगे। धन्यवाद। अभिषेक किधर है? अभिषेक ने तो बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे उनके एक एक बात का पता लगता था, उधर आपको पता लगता होगा, इधर मुझे, क्योंकि ये दोनों अपर्णा और अभिषेक शायद सुबह से लेकर रात तक ये जो बात की योजना थी वो उसमें बहुत काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि ऑनलाइन हो रहा है तो इसमें काम नहीं है, इसमें भी बहुत सारा काम है जिसकी ये लोग चिंता करते थे। तो चलो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे। साधुवाद, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं की प्रेरणा तो सबसे बड़ी आप ही हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि ज्ञान रूपी संस्था को आपने जैसे खड़ा किया और नित्य इसके सक्रियता और कार्यक्रम वेव्स के हो रहे हैं, तो हमें नित्य आपसे प्रेरणा मिलती रहती है। अभी हमारे साथ में डॉक्टर रंजीत बेहरा सर भी जुड़े हुए हैं, आप भी वेव्स के सम्माननीय अधिकारी हैं। आप सर कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए आप कह सकते हैं, विचार रख सकते हैं। रंजीत बेहरा सर, उसके बाद मैं अपर्णा जी के पास आता हूँ। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हमारे वेव्स के अधिकारी हैं। जी सर। आदरणीय प्रोफेसर शशि तिवारी मैम और राम जयपाल कॉलेज के आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष अग्रज डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी, और आपसे तो हमारी बातचीत होती रहती है, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वानों को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे युवा साथी, जिनका ये कार्यक्रम पूरा का पूरा युवा साथियों के ऊपर हमने छोड़ रखा है, हमने इसमें कुछ मतलब एक शब्द भी इंटरफेयर नहीं किया है। जैसे शशि तिवारी मैम ने कहा है, और इन लोग तरुण के ऊपर पूरा का पूरा कार्य छोड़ देते हैं, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। केवल हम लोग जो है दृष्टा और श्रोता होंगे, हम लोग को बोलने का कुछ मौका नहीं है। मुझे लगता है हमारे वेव्स की जो उपाध्यक्ष और वेव्स के जो अध्यक्ष, ये दोनों के बोलने के पश्चात मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैडम से हमारी बातचीत बिल्कुल हो रही थी, कैसे कार्यक्रम आगे विकास जी कर रहे हैं, साथ में अपर्णा जी है और डॉक्टर धनंजय आचार्य जी हैं, और तीनों ने बहुत सुचारू ढंग से, और सुप्रिया जी भी हैं, और बहुत बढ़िया राम जयपाल कॉलेज के कोलैबोरेशन में कार्यक्रम हुआ। सभी को मतलब मैं बधाई देता हूँ, और बिना हमारे कोई सहयोग से इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और मैं 1-2 बात यहाँ मतलब शेयर करना चाहता हूँ। तो सभी पक्षों को हमारे युवा साथियों ने वहाँ पर जोड़ा है। तो जनरली हम लोग जो वेब्स का कार्यक्रम करते हैं, हमारे युवा साथियों के बिना हम आगे चल नहीं पाते हैं। चाहे मैडम है, मैडम तो जो युवा के बात करेंगे, मैडम तो सबसे युवा है, मैं बात करता हूँ शशि तिवारी मैडम है। हम जब वेब्स का कार्यक्रम करते हैं रात को 1:30, 2, 2:30 बजे तक, रंजीत ये तब तक नहीं भेजना है, आगे सोना नहीं है, तो उल्टा मैं क्या करूँ रात को 2:30 बजे, ये भी हम लोग काम करते थे। ये हमारे लिए एक प्रेरणास्पद है, तो हम लोग ये काम करते हैं। बाकी 1-2 बातें मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा जो हमारे युवा साथी हैं। तो हमारा जो वैदिक वांग्मय है, जिसको हम लोग वेद से लेकर वेदांग तक कहते हैं, तो हमारे जो युवा साथी हैं, इंक्लूडिंग मतलब माई सेल्फ, जितने भी हम लोग विद्यार्थी हैं, तो वैदिक साहित्य का हम लोग अध्ययन करें। जो स्वाध्याय व अध्येतव्य, ये जो उपनिषद का वाक्य है, अगर उसको हम लोग अनुपालन करें, और बाकी जो हम लोग कहते हैं शाखा, जो अगर किसी शाखा के अनुसार अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन करने के साथ साथ जो हम लोग आगे पूरा का पूरा ये विचार को और इसको हम लोग आगे वहाँ पर बढ़ें, और जो युवा साथी इसको पढ़ें। और एक मैं सुझाव देना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ तरुण तरंग बैठा हुआ है, पूरे भारत वर्ष के वहाँ पर तरुण जुड़े हुए हैं, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से कोई एक वैदिक संगीता या वैदिक लिटरेचर का कोई एक टेक्स्ट ले, और तरुण तरंग इसका जो है आगे कार्यक्रम करें, अध्ययन जो है ऑनलाइन कैसे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और इन्हीं वचनों के साथ मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऐसे भी हम लोग बहुत डिले आगे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर, आपने जो विचार रखे उस पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। अब मैं डॉक्टर अपर्णा जी से निवेदन करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए वो। डॉक्टर अपर्णा जी, डॉक्टर अपर्णा जी वेव्स की सेक्रेटरी हैं हमारे यहाँ, और एक सक्रियता इनकी भी सर्वाधिक रहती है। इस कार्यक्रम की सूत्रधार हैं जैसे डॉक्टर अभिषेक जी और डॉक्टर अपर्णा जी, इन दोनों के माध्यम से ही यह कार्य सफलता की ओर जा रहा है। अब मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर अपर्णा जी से। सभी को नमस्ते। मुझसे पहले वैसे भी मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए ही कहा गया है, तो जो भी मेरे विचार थे और जो भी सब आशीर्वचन तो मैम ने ही दिए, सबने सब सारी ही बात यहाँ कह दी है बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए मुश्किल से कुछ ही बचा होगा कहने के लिए। सबसे जो आज का ये टॉपिक है इसी के बारे में सबसे पहले मैं एक लाइन में कहना चाहूंगी कि हमारे जो बड़े हैं, जो टीचर्स हैं, हमारी फैमिली में भी बड़े, हमारे समाज में भी बड़े, जितने भी बड़े हम आसपास अपने देखते हैं, उन सभी से मैं समझती हूँ उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा हमें गाइड कर सकते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जितने भी युवा वर्ग हैं वो अंदर से यही चाहते हैं, जैसा कि मैडम ने भी कहा, कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रतिभा को आप सब पहचानें और हम अपनी क्रिएटिविटी और हमें इतनी फ्रीडम दी जाए, जैसे मैम ने हमारे को बता ही दिया कि 24 साल के बाद आप सब अपने अपने कार्य को करने के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पास हमें आप इस तरह की फ्रीडम दें कि जिस तरह से हम अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर उस कार्य को, उस चुनौती को पूर्णतः सफल बना पाएं। और यही मुझे लगता है इस पूरे कार्यक्रम का जिस्ट भी है, जो मुझे समझ आया, चाहे वो परिवार के संदर्भ में हो, चाहे नौकरी के संदर्भ में, चाहे पढ़ाई के संदर्भ में, चाहे समाज के संदर्भ में। अब जैसा मुझे कहा गया धन्यवाद ज्ञापन के लिए, धन्यवाद के लिए तो ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। मैम ने बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के लिए सबसे पहले मैं राम जयपाल कॉलेज के प्रिंसिपल सर और पूरे कॉलेज के जितने टीम हैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबने हमें अनुमति दी इस कार्यक्रम को करने के लिए। और साथ में खुद ही मेरे पास डॉक्टर अभिषेक दुबे जी का प्रपोजल आया कुछ दिन पहले हमारे वेबिनार के बाद ही, कि आप हमारे पास जूम अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वेव्स के कितने भी कार्यक्रम कर सकते हैं। पर उनके खुद भी के साथ में कॉलेज के लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गए, जिसमें मैंने भी किसी में प्रतिभागिता की थी। तो उन्होंने हमें ये एक तरह का डायरेक्शन दिया, एक रास्ता दिखाया, और हम सब उस पर चल पड़े और आज हम सब यहाँ हैं। तो मैं सर के साथ साथ डॉक्टर अभिषेक दुबे जी का और साथ में उनकी IT डिपार्टमेंट और डॉक्टर नरेंद्र जी, जो कि पल पल पर हमें IT के जितनी भी हमारी यहाँ पर चीजें हो रही हैं, फेसबुक पे चाहे लाइव हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे फीडबैक फॉर्म हो, आप लोगों को बार बार रिमाइंडर आ रहा था लिंक के लिए, एक एक बारीकी से जो काम वो लोग कर रहे थे, दोनों दुबे जी या नरेंद्र जी, उन सब के लिए, उन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेव्स की ओर से। और ये जो कार्यक्रम है, जैसा आप सभी जानते हैं कि राम जयपाल कॉलेज के साथ साथ हमारे वेव्स का तरुण तरंग इसमें शामिल है, और तरुण तरंग की इसमें बहुत अधिक भूमिका है। और जिस तरह से हमारे उसके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर धनंजय जी और डॉक्टर विकास जी जो इसके सेक्रेटरी हैं, आप दोनों ने भी बहुत टाइम टू टाइम एक एक बात का जवाब दिया, एक एक बात के लिए आप हमारे साथ खड़े रहे, तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो मैं देख रही हूँ इस कार्यक्रम में कि सभी जो प्रतिभागी थे, सभी स्पीकर्स, चाहे वो सीनियर पैनलिस्ट के हों, चाहे युवा वक्ता हों, सभी ने अपनी बात को रखा, समय के अनुरूप रखा और बिल्कुल अपनी बात एकदम सटीक कही। आपके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी के विचार बहुत अच्छे थे और जल्दी ही आपके साथ रिपोर्ट भी शेयर की जाएगी इस बात की। लेकिन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना हमें समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही जो हमारे पास इस कार्यक्रम को देखने के लिए और श्रोतागण थे, जो अटेंडीज थे, मैं देख रही थी शुरू से ही बार बार नंबर पार्टिसिपेंट्स का बढ़ता जा रहा था, और एक टाइम तो ऐसा आया कि 210 तक मुझे इसमें दिखने लगे, जबकि रजिस्ट्रेशन 300 प्लस का हुआ है। हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव पे भी जुड़े हों, तो मैं ये देख रही थी कि वो सभी हमारे साथ जुड़े हैं और कहाँ से जुड़े हैं, पौंडीचेरी, मुंबई, बैंगलोर, बहुत सीनियर मेंबर्स भी उसमें हैं। मैं यहाँ डॉक्टर राघव हैं बैंगलोर से, और मुंबई से काफ़ी लोग हैं, बंगाल से हैं, गाजीपुर से डॉक्टर शुभ्रा सिंह हैं, ये भी हमारी लाइफ मेंबर हैं, बहुत लोग हैं। और इस तरह से मैं देख रही हूँ कि ये कार्यक्रम केवल वेव्स और सिर्फ राम जयपाल कॉलेज का नहीं रहा, ये समस्त देश का भी बन गया है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में, अपने अपने राज्यों में बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उन्होंने इसको सुनने के माध्यम से भी सफलता इसको सफल आयोजन बनाया। तो आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में सभी प्रतिभागियों के साथ साथ जो हमारी GC है वेव्स की, मेन वेव्स की जो GC है, सीनियर वेव्स की, उन सब का यहाँ पर बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी गाइडेंस रही, उन सबके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अंत में विशेषकर से मैं देख रही हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं रंजीत बेहरा जी, भले ही वो इस हमारे कार्यक्रम में, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सामने हमें दिख रहे हैं तभी, ऐसा नहीं है, उनकी हमेशा एक गाइडेंस हमें रहती है, कभी फोन कर लो उसी टाइम वो तैयार रहते हैं। तो सर आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं सब, जैसा कि सब जानते हैं, हमारे जो परम श्रद्धेय डॉक्टर तिवारी मैडम हैं, मैम ने एक एक चीज पे बारीकी से अपना हमें उसका मार्गदर्शन किया और हमें बताया, और यहाँ तक कि ये जो हम थीम पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये थीम भी मैम की बताई हुई है। कहीं ना कहीं मैम इस परिस्थिति को समझ रही हैं, इसीलिए उन्होंने इस थीम को तरुण तरंग के लिए चुना। तो मैम आपके लिए इस तरह की दूरदृष्टि रखने के लिए, इस तरह का हम इस ज्ञानवर्धन ये लेक्चर आयोजन करने के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आगे भी आपकी कृपा चाहते हैं कि आप हमें इस तरह गाइड करते रहिए जब तक कि कोविड चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि कोविड जल्दी मतलब हमें ज्यादा परेशान करे, लेकिन ये कोविड के टाइम को हम इसी तरह अच्छे से यूटिलाइज करें और इस तरह की ज्ञानवर्धक चर्चाएं करते रहें। तो आपका मार्गदर्शन यहाँ रहे, आपके लिए मैम हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अपर्णा जी। आपने अब मैं विशेष रूप से अपने जो युवा तरुण तरंग के जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे यह अपेक्षा भी रखता हूं कि आगे भी हमारे इसी प्रकार से कार्यक्रम में आप जुड़े रहेंगे। हम आपके पास में अपने तरुण तरंग की सूचनाएं प्रेषित करेंगे और आपसे उनसे जुड़ने की अपेक्षा भी रखते हैं। अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके पश्चात में कल्याण मंत्र होगा, सद्भावना मंत्र होगा, उसके पश्चात हम जा सकेंगे। अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही उत्कृष्ट प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया मिल करके, और भविष्य में भी इस तरह के हम एसोसिएट होंगे, भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम को हम करेंगे। और हमारे, मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे प्रिंसिपल साहब का बहुत ही सहयोग रहता है हर चीज़ पे, और बहुत ही इंकरेज करते हैं हमेशा कि कैसे हम मतलब सबको वो मोटिवेट करते हैं। इवन काफ़ी लोग मोटिवेटेड हैं, फिर भी अगर आपको कुछ मिलता है तो वो काफ़ी आगे हम जाते हैं। उन्होंने ही ये इंटरनेशनल वेबिनार में भी काफ़ी हमें सहयोग दिया, और ये जो वेब लेक्चर सीरीज हमारा कॉलेज का चल रहा है और आज जो हमारा हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए, काफ़ी लोग बेनिफिटेड हुए होंगे। और मैं आईटी टीम को, स्पेशली नरेंद्र जी को और रंजीत जी को, मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने और काफ़ी मेहनत किया है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि सभी चीज़ें ऑन टाइम हो और कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। थ्रू आउट हम लोग तो एक दिन करके हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है, थ्रू आउट लास्ट 20-25 डेज से कंटिन्यूसली वो लगे हुए हैं और पूरी वेब लेक्चर सीरीज को भी वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। बड़ों से मैं आशीर्वाद चाहूँगा। तो शशि मैडम अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर। थैंक यू मैम। जी, कल्याण मंत्र रहेगा, सद्भावना मंत्र, उसके पश्चात हम जा सकेंगे। मैं कल्याण मंत्र का वाचन करूंगा, आप अपने मन में दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अब चाहे तो सबको अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अरे बेहरा सर, किसी की बात लग गई हो। हेलो, सबको नमस्कार। विकास जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे अपना भी और जो भी लोग हैं, बहुत अच्छे। ये ले दोनों ले लो यार, आगे पीछे क्यों कर दिए? सब आपके सहयोग से ही है तहसीन जी। नहीं, बहुत अच्छा बहुत। ये हमारे तरुण साथियों ने इतना बढ़िया, मतलब आज अपने अपने मत तो रखे ना, बहुत मतलब आनंद आया। तो बस हम तो केवल जो दृष्टा और श्रोता के रूप में बैठे हुए थे, लेकिन बहुत बढ़िया आप लोगों के जो सुझाव हैं और जो अपने व्यक्त भी किया है, भाव है, भाषा है, विचार है, और बहुत मतलब सभी को मतलब दिल को जो छुआ है, सभी को बहुत बहुत मतलब बधाई देते हैं और ऐसे हम लोग मिलते हुए आगे भी कार्य उसमें से करते रहेंगे। जरूर सर। विकास जी मेरी आवाज जा रही है क्या? हेलो नरेंद्र जी, आप मुझे सुन रहे हैं? नरेंद्र जी आईटी डिपार्टमेंट जी, सुन रहे हैं सर। अपनी इस मीटिंग को अभी ये वेबिनार का हो गया है, इसको एंड फॉर ऑल कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद सर। नमस्कार आप सभी को।